हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बैटिंग क्लब। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वन एक्स बैट पर अकाउंट कैसे रजिस्टर करें। कमेंट सेक्शन में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड की है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करके वन एक्स बैट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इस तरीके का ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। टॉप में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है लॉगिन का और एक है रजिस्ट्रेशन का। आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, एक है वन क्लिक बाय फ़ोन, फुल एंड वाया सोशल मीडिया। हम यहाँ पे फुल पे क्लिक करके फुल प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ताकि बाद में आपको विड्रॉल के टाइम पे या वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम यहाँ पे फुल पे क्लिक कर लेंगे। फुल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक डेमो अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर लेना। सबसे पहले हमें यहाँ पे सरनेम अपना प्रोवाइड करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, उसके बाद हमें कंट्री सिलेक्ट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडिया होगा। अगर आप किसी और कंट्री से ये प्रोसेस कर रहे हो, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करने के बाद हमें अपना स्टेट या रीजन सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके यहाँ पे पूरी लिस्ट होगी आपके स्टेट की, यहाँ से जाके आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में हमें अपना सिटी या टाउन सिलेक्ट कर लेना है। ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से हम अपना सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1990 अगस्त 2। ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा सारा का सारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि बाद में विड्रॉल के टाइम पे नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे आप जो आपका आईडी प्रोवाइड करोगे, उससे ये इन्फॉर्मेशन सारी मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हुई तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, या आपको विड्रॉल में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट देना। ओके, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें करेंसी सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडियन रुपी है। अगर आप किसी और कंट्री से ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन मेनू से आपका करेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देना है। मैं यहाँ पे एक डेमो ईमेल आईडी डाल देता हूँ, abcd12351236@gmail.com। मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, 9867543210। ओके, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करने के बाद हमें एक पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होगा। पासवर्ड का रिक्वायरमेंट्स यहाँ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। मस्ट कंटेन लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर एंड नंबर्स, इनका मिक्सचर पासवर्ड, मतलब इनका मिक्सचर से हमें एक पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ, जैसे कि ABC56548VN। ओके, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पासवर्ड। सेम पासवर्ड हमें यहाँ पे रिपीट करना होगा, ABC6548VN। ओके, तो पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड का। यहाँ पे आपको प्रोमो कोड में डाल देना है GRAB100। ये मेरा प्रोमो कोड है। ये प्रोमो कोड डालोगे तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट 10,000 का करते हो, तो आपको 10,000 का वेलकम बोनस भी आपको मिल जाएगा, अगर आप प्रोमो कोड ये डालते हो तो। उसके बाद प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको बोनस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप स्पोर्ट्स बोनस सिलेक्ट कर सकते हो, कैसीनो का वेलकम पैकेज सिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको कभी बोनस नहीं चाहिए तो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके रिजेक्ट बोनस पे सिलेक्ट करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपके आपकी मर्जी पे आपको कौन सा बोनस चाहिए। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद कुछ समय टिक मार्क्स करने होंगे, जैसे कि आई एक्सेप्ट कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कंपलसरी आपको सिलेक्ट करना है। आई अग्री टू द कंपनीज प्राइवेसी पॉलिसी, ये हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद आई कन्फर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ये हमें सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट टू ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। फर्स्ट में अगर आपको वन एक्स बैट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको ईमेल पे चाहिए, तो फर्स्ट वाला आप सिलेक्ट कर लेना। सेकंड, अगर आपको आपकी बैट्स की डिटेल आपके ईमेल पे चाहिए, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये दोनों आप डिसलेक्ट ही रखें।
सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का टिक मार्क दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक कैप्चा हमें फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे बसेस का आ रहा है तो मैं यहाँ पे सारी बसेस सिलेक्ट कर लूँगा। यह थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है ताकि ये मतलब ठीक से वेरीफाई करते हैं कि जेन्युइन पर्सन ही ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे सारे बसेस पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे उसके बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। फिर से बसेस का ऑप्शन आ गया है तो मैं यहाँ से सारी बसेस सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे भी बस का ऑप्शन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बस पे जाके सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे भी बस दिख रहा है, यह हमें कंपलसरी कंप्लीट करना होगा ये स्टेप भी। बसेस आ रहा है, ठीक है, अभी हमें कोई बसेस नहीं दिख रहा है तो मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। रिकैप्चा कंप्लीट करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन कोड सेंड करना होगा। सेंड कोड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। वेरिफिकेशन कोड फिलअप करने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे आपका वनएक्स बेट पे अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। सक्सेसफुली प्रोसेस करने के बाद आपको लॉगिन पे जाके आपका आईडी लॉगिन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आईडी बना हुआ है तो मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको बॉटम में मेनू का ऑप्शन दिखेगा, मेनू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको टॉप में पर्सनल प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिल इन पर्सनल डेटा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि मिडिल नेम आपको डाल देना है। उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। एड्रेस आप वही डालना जो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाले हो, जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वही सेम टू सेम एड्रेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस आप सबमिट करने वाले हो वेरिफिकेशन के लिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लो। या अगर आपके पास अदर नेशनल आईडी कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वो अगर आप सबमिट करने वाले हो तो आप यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट आईडी नंबर आपका प्रोवाइड कर देना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, जैसे कि पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। डेट ऑफ इशू में आपका जो भी आईडी का डेट ऑफ इशू है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। इशूड बाय में आपको डाल देना है इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको ब्लू टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगा और विद इन 1-2 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट 100% वेरीफाई हो जाएगा। मीनवाइल आप डिपॉजिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप डिपॉजिट करके गेम्स खेलना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है डिपॉजिट के, जैसे फ़ोनपे, भीम, UPI ID, गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे, वो मेथड से आप यहाँ पे डिपॉजिट करके गेम्स खेलना स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप गाइस, मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कुछ भी इशू हो या आपको कुछ भी डाउट हो इस प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प आउट ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़।